तुम दीदी बनोगी? दीदी शक्ल देखी तुमने अपनी? दीदी ऐसी हरकतों में दीदी, दादी और पोती आइसक्रीम के भूखे, और इसकी मम्मी शिकंजी की प्यासी। पापा नाए? आज तो पता नहीं भाई क्या है, आज कोहरा हो रहा है पता नहीं क्यों। ये तो बहुत दिनों से सही मौसम चल रहा था, एकदम धूप निकल जाती है इस टाइम पे। 7:30 हो रहे हैं, 7:30 पे भी कोहरा है। हम भी थोड़ा सा लेट हो गए घूमने के लिए, मुझे लगभग 6:30 बजे जगते थे, तो क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट सोए थे सब लोग ही 1-2 बजे करीब। पर ठीक है, रूटीन नहीं खराब करना चाहिए। क्या बनाओ? देखो बनाओ, वाह साइकिल। साइकिल नहीं है, पानी। चलो बैठो गाड़ी में, पार्क में चलते हैं। Happy anniversary to you, happy anniversary Poopa, Poopa। कहाँ है Poopa? स्कूल नहीं जाना Poopa को? आज जाना है, वो भी 8:00 तक, 7:50 तक। अच्छा अच्छा, तो जाना है तो जी, तो फिर 8 बजने वाले, 8 नहीं बजा होने वाले, 9 घंटे निकल जाएगा। सही है सही है। अरे उसकी एनिवर्सरी आज, तो उसकी क्लास मतलब पीछे पड़ जाती है। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। टाटा बाय बाय। कब तक आ जाओगे तुम? कब तक आएंगे बता? तुम बताओ कब तक आ जाओगे? आकाश आ जाएगा 3 बजे तक। 3 बजे तक हम आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी आज हम आए थे यहाँ पे वॉक करने के लिए, आज कोहरा हो रहा है पूरे में यहाँ पे देखना, इतना सही ठंड सी हो रही है। मतलब वैसे ठंड नहीं है, सिर्फ कोहरा ही है ना, टेम्परेचर कम नहीं है, है ना? बनो मत। इस टाइम पर ना, इस टाइम पर जो धूप लग होती है, कड़क धूप हो जाती है 7:30 के बाद। आज देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, हम बादलों के बीच में, बस कोई लैंड करा दे। चलो ये चक्कर मारते हैं थोड़ा, आज रनिंग कर लिया जाए क्या? पहले वॉक करते हैं, पहले 10-12 चक्कर, उसके बाद देखिए। तुम ये बताओ, हम घूमने आते हैं या तुम्हें यहाँ पे गोदी में लेके टहलाने आते हैं? ढोने आते हैं मैडम, पूरी बारी बारी करके सबको थकाती है, सबकी वेट ट्रेनिंग करती है। बताओ ये, और पापा की गोदी में नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? हेल्थ तुम्हारी एक्सरसाइज करानी जरूरी है। नहीं, अब तो उठ जाता है मेरा बच्चा सुबह सुबह उठ के। बेबी को गुड मॉर्निंग करा आपने? गुड मॉर्निंग बेबी, बेबी दीदी रूरू हो तुम? दीदी रूरू, तुम दीदी बनोगी? दीदी शक्ल देखी तुमने अपनी? दीदी ऐसी हरकतों में दीदी। क्या कह रही मम्मी, जो सबका खून पीती है उसका खून लिया जा रहा है? तो अभी मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पे, है ना, तो मुझे अभी एकदम से याद आया कि प्रिया की शादी वाले दिन, आज प्रिया की शादी हुई थी 21 फरवरी को, सब लोग उस कमरे में भरे हुए थे, रेडी हो रहे थे, प्रिया का ब्राइडल मेकअप भी वहीं चल रहा था, और मैं यहाँ पर आके अपने सामान से रेडी हो रही थी, साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी, और दिवेश पीछे रुरु को नहला रहे थे, और मैं यहाँ से देख रही थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मम्मी कुछ सामान पूछती थी, यहीं से बताती थी, यहीं से वीडियो बनाती थी, यहीं से रेडी हो रही थी, बस ये सोच रही कि जल्दी से मंडप चलें, सब काम जल्दी जल्दी हो जाए।
कितनी पुरानी मेमोरीज है यार, मतलब अभी ऐसे याद आया ना मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब प्रिया चली गई है। अभी तो रियलाइजेशन होता नहीं क्योंकि हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन अगर दूर होते तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है उस चीज़ का। और आज का दिन मुझे थोड़ा वैसे ऐसे देजावू जैसी फीलिंग दे रहा है। एनीवेज अभी प्रिया से मिलने चलेंगे, अपना वीडियो शूट खत्म कर लो थोड़ा जल्दी क्योंकि आज काम है थोड़ा ज्यादा और टाइम है कम। याद आ गई मम्मा की, ढूंढते हुए मम्मा को। थोड़ा सा बचा है मम्मा का काम बस एक। फिर उसके बाद में आ जाऊंगी, फिर खाना खिलाऊंगी आपको बना खाना। इसे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, मेरे साथ बैठ जाता है। मम्मा बनाओ, मम्मा बनाओ, बनाओ मामा खाना। चटोरी है मेरी बच्ची, चटोरी। चलो अब मुझे काम कर लेने दो। ओके चलो जाओ अपने पापा के पास। नहीं क्यों, नहीं नहीं क्यों, नहीं नहीं क्यों, थोड़ी देर में करेंगे ना, थोड़ी देर। आप चलो गए, मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगी। गली करने निशी खिंचे मैं बेबी ड्रम कंपनी ड्रम काकरो डब्बू कौन है डब्बू मैं चिंटू चले जाऊं। मैं गई यार, जल्दी खा लो। अगर बाइक निकालेंगे छोटी सी रबर बैंड लेके उसमें घुसाएंगे जिससे छोटे बेबी को लगे, थोड़ा लगेगी सॉरी सॉरी अभी हम जा रहे हैं प्रिया के पास। आज प्रिया का की है एनिवर्सरी, सो बेसिकली उससे पहले हम यहाँ पे खुद एक प्री पार्टी कर रहे हैं क्योंकि रास्ते में जाने के लिए भी हमें सिकंजी तो चाहिए ना भाई, तो चैन सिकंजी से अपनी सिकंजी ले ली गई है क्योंकि ये लोग प्यासे मर रहे थे और ये कुछ लोग आइसक्रीम के भूखे थे। ये कुल्फी हाथ में लेके बैठे हुए हैं ये दोनों, दादी और पोती आइसक्रीम के भूखे, और इसकी मम्मी सिकंजी की प्यासी। पापा ना है? मैं तो मजबूरियां पी रहा हूँ, तुम लोग पी रहे हो तो तुम्हें कंपनी देने के लिए। मजा ही मजे। कोई आइसक्रीम लेके आ रहा है, कोई सिकंजी लेके आ रहा है, मजे ही मजे। क्या मजे ही मजे। मजे ही मजे। बोलो मजे ही मजे। चलो भाई चलते हैं। बोलो रूरा थैंक यू बोल दो। अरे कंफ्यूज कर रहे हो, मम्मी पहले थैंक यू बोलवाओ उससे। क्या खिलाए तूने प्रियज को आज? बाबा के दरबार में मत्था टेकने आए दो शिष्य, बाबा जी लगे हुए अपने फोन में रील देखने। बाबा जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और छोटा भक्त कीर्तन कर रहा है ताली बजा बजा के। बाबा जी को डांस कर रहे हैं। बोलो जय बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। ओए होए आ ये प्यार से कैसे।
क्या क्या कर रहे हैं बाबू? मैं काम करते करते कर गई है। जो कह रहा है मुझे बाबू थक गई है, बोल दो कौन है बाबू? मैं बाबू हूँ। अच्छा, पिटाई कर रहे हैं कि मसाज कर रहे हैं? आप पिटाई कर रहे हैं, इसे मसाज नहीं करते। घंटे भर से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रही है, तो उन्होंने सोचा टाइम पास कर ले थोड़ी देर, है ना? क्या दिक्कत है? फेशियल कर रही है ये, देखियो चॉकलेट की खुशबू आ रही है, चॉकलेट की गंदे कपड़े का रंग अरे अरे खाना खजाना हो चुका है सब प्राणियों का, अभी वक्त आ चुका है केक काटने का। अकेली अब केक काटने का वक्त आ चुका है। वीडियो नहीं, ये लोग केक खाने वाले हैं नहीं, बस मैं ही हूँ जो केक खाने वाला हूँ। केक को देख के जो लोग हैं वो दूर भाग चुके हैं, जिनको केक काटना है उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो तू अकेले काट ले, वो जो कह रहा तू अकेले काट ले। हाँ भाई, केक काटना है? हमारा बच्चा खुद तुम्हें संभाल सकता है भाई, वो किसी को भी संभाल सकता है। तो अपनी बीवी संभालो पहले, हमारी बीवी तो घूम रही है, संभालो उसे। ये पति घूम रहा उधर, केक काटेंगे। आ जाओ। खाना खजाना हो गया, केक कट गया और अभी चलते हैं घर। ये क्या हो रहा है? है कह रहा था मैं, तुम बताओ कह रहा था। चले घूम, चलो हम दोनों चलते कर दो टिकट बुक, चले गाड़ी से वहाँ पे एफ रोड आम देखेंगे। एफ रोड जॉब को मारो लात। चलो दोनों भाई चलते हैं गोवा, रशियन बीच। अब भी जिस तरह देखो भी शाक का, हाँ वहीं पे रशियंस के साथ। शर्मा क्या लड़का चलो भाई चलो बैठो। थोड़ा थोड़ी कब्जी जाना अपने यहाँ बैठ गया इसके फोन पे रुक के। मैं कह रही हूँ फोन कैसे करेगी जान को, रुरु के फोन खराब कर दिया चाचू ने। आपका फोन तोड़ दिया? अड्डी तो बहुत रुपए लेता हूँ मैं, इतनी तो गर्लफ्रेंड है मेरी, देख फोन करके दिला देगी। मतलब कैसा आदमी है, पैसा लेता हूँ गर्लफ्रेंड अपनी, और गर्लफ्रेंड नहीं बनी वो भाई, ये बात है गर्लफ्रेंड नहीं हो किस किसी काम को आए। Turning wild.